अपने हनुमान अंकल को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये जानकर भी कि इन्होंने क्या किया है, तब भी? कुछ नहीं किया उन्होंने, ओके? कुछ नहीं किया है, ये ऐसे कर ही नहीं सकते। And I trust him. Trust. इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है ना मिन्नी। कहने दे जो भी कहना है, उन्होंने कह दिया हो गया। ये क्या? पूरी दुनिया भी बोलेगी ना, लॉयर जाके बोलेंगे, जा के बोलेंगे, मैं नहीं मानूंगी। तू पागल हो गई है क्या मिनी? पागल मैं नहीं, पागल तू हो गई है बेब्स। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि हनुमान अंकल ये सब करेंगे? बेब्स तू लेकिन मैं जानती हूँ तू कैसा फील करती है हनुमान अंकल के लिए, ठीक है? तू ऐसे कैसे सोच सकती है इनके बारे में यार? तू तो मुझसे बेटर जानती है ना इन्हें। मुझे लग रहा है कि आप हमारे पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ रही हो, ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो आप आजकल मुझ में। पराए मर्द में ज्यादा मन ना लगाओ अपना। नहीं नहीं मिन्नी, मैं नहीं जानती इन्हें, सच में मैं नहीं जानती। बल्कि अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें पहचानती नहीं हूं। छोरी तारी मम्मी तो चली गई, तू क्यों आ गई उसके साथ? रॉन्ग थी वो। के रॉन्ग है और के राइट तन्ने के पता छोरी, तूने सुना ना? मैंने मारा है मर्ती को। आपने नहीं मारा है। मैंने जान ले ली मर्ती की। नहीं मारा आपने, मैं जानती हूँ। क्या ये कोर्ट पेपर्स, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? बच्ची हूं मैं, क्यों कर रहा अभी सब? क्या ये सब झूठ है जो भी है? मैंने सुन लिया जो आप बेब से बोल रहे थे कल रात को, अबाउट मी, अबाउट हर। क्यों बोल रहे थे? मुझे समझ नहीं आएगा, इतना मैं समझने लगी हूं आपको हनुमान अंकल, इतने महीनों से जानती हूं ना आपको, इतनी रिस्पेक्ट करते हो आप मेरी बेब्स की, फिर भी जानबूझ के उसका दिल दुखा रहे हो। आई नो, आई कैन सेंस इट, मुझे पता चलता है आप ये सब जानबूझ के कर रहे हो, आप ये ड्रामा कर रहे हो मेरी बेब्स को ह्यूमिलेट करने का, उसकी ईगो क्रश करने का, क्योंकि आप हमें अपने आप से दूर करना चाहते हो ना, क्योंकि ये कोर्ट केस वापस शुरू हो गया है ना, और आप नहीं चाहते हम इसमें उलझें, इसमें हर्ट हो, इसलिए आप ही हमें हर्ट कर रहे हो, राइट? हनुमान अंकल प्लीज ना मत करो ऐसा, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। मैं नहीं देख सकती आपको ऐसे, सच्ची मुझे बहुत पेन होता है जब आप मत सफर करो प्लीज ऐसे, मुझे मैं नहीं देख पा रही हूँ आपको ऐसे हनुमान अंकल, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा थोड़ा समझ में ना आती क्या? क्या समझती हो अपने बारे में? घड़ी अकलमंद है क्या तू? घड़ी समझदार होगी तू? क्या जानती तुम्हारे मन के बारे में? नहीं बता मन, क्या पता है तुम्हें? कितना जानती है तुम्हारी मर्ती को? तूने देखा है कभी उसे? क्या जानती है उसके बारे में? सुन लेना छोरी, हनुमान सिंह ने आज तक एक ही से टूट के प्यार किया है, वो है मारी मर्ती।
उससे ज्यादा प्यार किसे ना किया, ना थारी मां ने ना किसी और ने। पर एक बात और सुन ले, किसी ने जिंदगी में इतना प्यार कर भी ना पाऊंगा मैं। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना मोह छोरी क्या उस मोह ने प्राण हर लिए मारी मर्ती के। तू और तेरी मम्मी दोनों मार से दूर रहोगे बता रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे कलेजे में जो दनावल चलता है ना छोरी, उसमें तुम दोनों जलकर राख हो जाओगे। मैंने कहा था हम सबके अंदर एक राक्षस पनपता है छोरी। छोरी जब ही अंदर का राक्षस जागता है ना तो अपने साथ ये भतेरे राक्षस खड़ा कर लेता है अंदर, इसलिए 100-100 ताड़ों में छुपा के रखा था मैंने उसे। इब तूने छेड़ दिया, तू और तेरी मम्मी इब जो तूने दूर ना रखा, तुम्हारे साथ अग्नि में जल उठोगे तुम लोग। यो फाइनल है। बैकपैक वर्क करने की, हम कहीं नहीं जा रहे। नहीं मिनी, अब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। सुरानी, तूने तेरे हनुमान, उन्होंने इमरती जी को क्या, तू मुझे क्यों ऐसे देख रही है? देख रही है तो झूठ बोलने का ट्राई कर रही है, लेकिन झूठ बोल नहीं पा रही है। कैसा झूठ? वही झूठ जो अभी हनुमान अंकल ने बोला, वही झूठ जो तू भी जानती है झूठ है बेब्स, लेकिन तू उसे कन्वीनिएंटली एक्सेप्ट करना चाहती ताकि तुझे यहां से भागने का एक मौका मिल जाए। कम ऑन यार बेब्स, तुझे सच्ची में लगता है हनुमान अंकल जो अपनी वाइफ से इतना प्यार करते थे उन्हें मार सकते हैं? हाउ रिडिकुलस इज दैट एंड हाउ कैन यू बिलीव इट? रियलिटी पता है क्या है बेब्स? ये रीजन है जो तू ऐसे रिएक्ट कर रही है, रीजन कुछ और है, लेकिन तू इसे एक्सक्यूज बनाकर घर से भागना चाहती। मिनी, मैं किसी से भाग भाग नहीं रही हूँ। अच्छा, नहीं भाग रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि तेरी ईगो पे लगी है और तू जवाब नहीं दे पा रही है, बस सिंपल है। क्या ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लीवर तो वैसे भी बांधने वाली है नहीं, मुझे पहले से ही पता था। नहीं, क्या क्या नहीं मानूंगी, ऐसी क्या बात है तू अपने मन में छिपा के बैठी है? तू ना मुझे क्लियर कर मिनी, तू जानना चाहती है? हाँ। सच्ची? हिम्मत है इतनी? Fine then if you insist. पहली बात, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मिनी अभी भी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो let me tell you babes, तू गलत है। मैं बड़ी हो रही हूँ, I'm almost 18 now, almost a woman. तो मैं सब समझती हूँ, सब समझ में आने लगा है अब मुझे। कोई बड़ी बड़ी नहीं हुई तू, बच्ची है तू, 17-18 साल में कोई बड़ा नहीं हो जाता है। 18 साल में तेरी शादी हो गई थी, 19 साल में मैं पैदा हो गई थी, so please babes, accept it, it's a reality, I am a woman and as a woman, मैं तुझे sense कर सकती हूँ, तुझे समझ सकती हूँ, तेरी pain को, तेरी insecurities को, तेरे अकेलेपन को, I can sense it babes. जब तुझे पापा जी और मीता के बारे में पता चला होगा कितना humiliate हुई होगी। Now that I'm a woman, I can sense it कि एक woman के लिए rejection कितना painful होता है। उसके self respect को, उसकी ego को तोड़ के रख देता है, crush करके रख देता है। वो भी तब जब आप किसी को इतना प्यार करो, इतना सारा प्यार देना चाहो। और तूने ये रिजेक्शन एक बार नहीं,
वो तो बार फेस की। पहला पापा जी के साथ नीता के लिए और दूसरा हनुमान अंकल के साथ मर्ती जी के लिए। बस कर मिनी, बस चुप हो जा तू। भूल मत, तू अपनी माँ से बात कर रही है मिनी। नहीं बेब्स, आज एक बेटी अपनी माँ से नहीं, वन वुमन इज टॉकिंग टू अनदर वुमन। फाइन, सो लेट्स फेस इट, मैंने सुना था कल रात हनुमान अंकल ने जो कहा था उसे। मैं जानती हूँ बेब्स, मैं समझती हूँ तेरा ह्यूमिलेशन। हनुमान अंकल ने हर्ट किया है तुझे, वो भी बिलो द बेल्ट हर्ट किया है। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे अटैक किया है, चाहे जिस भी रीजन के लिए किया हो, लेकिन किया है। एंड यू हैव द राइट टू कन्फ्रंट हिम ऑन दिस। चाहे लड़ ले उनसे, झगड़ ले, गाली दे दे, धो दे, उनसे अलग हो जाए, इस बात पे आई एम विद यू बेब, आई स्टैंड विद यू। लेकिन अपने इस हर्ट को स्टूपिड से एक्सक्यूज से ढक मत। एंड प्लीज ये मत बोल कि हनुमान अंकल ने मर्ती जी को मारा है, क्योंकि ऐसा नहीं है बेब्स। तू भी जानती है हनुमान अंकल किस तरह के इंसान है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। पता है मिनी, जब मीता तेरे पापा जी से मिली होगी ना, तब वो भी यही सोचती होगी कि अशोक कितना अच्छा इंसान है। बस हालात खराब थे। सच क्या तुझे भी पता है ना मिनी, हम किसी भी इंसान को है ना नहीं जान पाते जितना वो हमें जताता है, टुकड़े टुकड़े में। किसी भी इंसान का पूरा सच हमें नहीं पता होता है। एक सेकंड यार बेब्स, ये बड़ी बड़ी बातों में तो घुमा मत मुझे, टुकड़े टुकड़े एंड ऑल दैट स्टफ। बात सिंपल सी है, हाँ या ना जवाब है। यू ट्रस्ट हनुमान अंकिल और यू डोंट ट्रस्ट हनुमान अंकिल, सच क्या है बेब्स? सच ये है मिनी कि हम आज और अभी यहां से चले जाएंगे इस घर को छोड़ के, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और हां, मुझे और कोई बहस नहीं करना है, चल अब तू यहां से। तेरा फैसला है ना कि तू इधर से जाना चाहती है, तो मेरा भी फैसला है, हम इधर से कहीं नहीं जाएंगे। और एटलीस्ट मैं तो इधर से कहीं नहीं जा रही हूं बेब्स, क्योंकि मैं अपने हनुमान अंकल को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। उन्हें हमारी जरूरत है, ही नीड सपोर्ट, एंड मैं उनके साथ खड़ी हूं। और हाँ बेब्स, इस फैसले में भी बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सच कह रही थी तुम मिनी, सही में बड़ी हो गई है अब तू, अपने फैसले खुद लेने लगी है। ठीक है, मैं कौन होती इतनी बड़ी लड़की पे अपनी जिद थोपने वाली है। और हां, ज्यादा दूर नहीं जा रही हो तुझसे, पास में हूं नेमबी के घर पे। जब तुझे होश आ जाए ना, आ जाना। मतलब कि हनुमान की पत्नी झचकी में नहीं मरी थी? नहीं। तो फिर कैसे? वो तो मुझे नहीं पता, नहीं भी बोल रही थी कि वो नहीं बताएंगी जब तक हनुमान नहीं बताना चाहेगा।
ये तो बड़ी अजीब सी बात है। हो सकता है बबीता को उसने कुछ बताया हो। बबीता, क्या हुआ ये सब बैग वगैरह? मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। पीजी, पापा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। नहीं बबीता, इसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्या हुआ है? मिनी से झगड़ा हुआ है क्या? हनुमान ने कुछ कहा क्या? केस चल रहा है हनुमान सिंह जी पे। वो इमरती जी, उनकी हत्या का इल्जाम है उनके ऊपर। कल्पेबल होमिसाइड। बबीता, तुझे कुछ गलत पता चला होगा। हनुमान को देखकर ऐसा लगता था नहीं। बबीता, हनुमान सिंह तो ईमान का बिल्कुल पक्का है। बहुत पक्के हैं ना ईमान के। इसलिए सब कुछ ना ईमानदारी से बता दिया उन्होंने। आई जा बेटा, ऊपर जा। अरे दुल्हन तेरा इंतजार कर रही है। दरवाजा खोल, आवाज नहीं आ रही के? सुन, सुना उड़ाए ना दिता कि तन्ने। सुन, मारे लिए पैक बना दे एक। मारी लिखाएगी ये थाने में रपट। मारे खिलाफ तो रपट लिखवाएगी तो बावली थारी सुनेगा कौन? जब थाने में ना सुनेंगे तो कोरट जाऊंगी। जब कोरट में भी ना सुनेंगे ना तो प्रधानमंत्री के पास जाऊंगी थारी शिकायत करने। छोड़ूंगी ना, इकलौती छोड़ी हूं अपने बापू की। कम ना समझियो मन्ने। चल हो जा खड़ा, मरा दियो जमीन पे लौटता अच्छा नहीं लगता। उठ। क्या कहने पो रहे मैंने देख के? छोरी ना देखी कभी? देखी है, घड़ी देखी, एक से एक जोरदार। तो तुम्हारी लुगाई है। तुमने देखने का तो लाइसेंस है हमारे पास। क्या लाया हूं तुमने? क्या मारा तुमने लुक देने का? अच्छा अच्छा, मुंह ना मसोड़। वैसे हमारे बापू ने ये भी कहा था कि मैं थारी सेवा करूं। अपने पति को परमेश्वर मानूं। ऊंची आवाज में बात ना करूं, थारे माँ बापू को अपने माँ बापू समझ के सेवा करूं। तो थारे बापू का कहना मानेगी कि ना मानेगी बोल? मारी जुत्ती भी को ना माने ये सब बातें। बथेरे तरीके आवे मन्ने पति को रिझाने के। कौन कौन से तरीके आते हैं मन्ने भी बता दे। काल थर, ऐसी थोड़ी ना बता दूंगी। क्या हुआ हनुमान अंकल, मुस्कुरा के रहे हो? सॉरी, तू गई ना अपनी माँ के साथ? आप जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ। जैसा बाप वैसी बेटी।
आप कौन? मिर्जा साहब घर पे से के? मिर्जा साहब नैम्बी के शोहर, उन्हें गुजरे हुए तो काफी अरसा हो चुका है। तुम उनकी बेटी सो गए? नहीं बेटी तो नहीं, हाँ पर बेटी जैसी हूँ। कहिए ना क्या बात है? अगर मिर्जा साहब ना रहे तो उनकी लुगाई को बुला दीजिए, नहीं भी को, भारे को उसे जरूरी काम से है। नहीं भी तो घर पर नहीं है, कुछ जरूरी काम से बाहर गई है। चलो कोई बात ना, जब तक वो ना आ जाए तब तक हम इंतजार करेंगे। अभी तक तू पानी लिया और नईमी को मैसेज भी कर दे कि कोई आया है उनसे मिले। जी पानी, खबर कर दी उसको? हाँ मैसेज कर दिया मैंने। तुम सब लोग इत रहते हो क्या? वो हनुमान सिंह युग तो थानेदार बन गया ना, वो जानते हो उसे? जी जी जानते, अच्छे से जानते। क्या जानते हो? किसी के चेहरे पर लिखा है कि ये मानस अपने दिल में के दबा के रखा है? तुम कुछ ना जानते, मैं जानता हूं। मैंने देखा है उसे, उसका जो बड़ा चेहरा दिखे से ना वैसा से ना वो। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मैं ससुर था उसका, मेरी बेटी भी आई थी उसके संग। सरदार सिंह, सरदार सिंह चौटाला, इमरती का बाप। शुक्र है तुमने मारे को पहचान तो लिया। इतने सालों बाद? तुम सब लोगों ने मारे को बुलाई दिया था ना, इतना बड़ा गुनाह हुआ मेरी बेटी के संग यहां, और तुम सब ने पर्दादारी कर दी। अरे तुम तो औरत ही ना, मेरी लाडो तुम्हें कितना मानती थी, और तुमने भी उसका साथ ना दिया। कोई ना, निचली अदालत ने मारी अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन इतने सालों बाद हाई कोर्ट ने आज मारी अर्जी स्वीकार कर ली। देख बीबी, तुम सब कुछ कहो या ना कहो, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी के लिए लड़ता रहूंगा, हार ना मानूंगा, उसे इंसाफ दिला के रहूंगा। अब तू ही बता बीबी, अपने कागज पर हाथ रख के बता, मेरी बेटी को इंसाफ मिला या ना मिला? मैं फैसला सुनाने वाली कौन होती हूं, लेकिन सरदार सिंह तूने जो हनुमान सिंह पे इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं। बचा मत उसे ना। मेरी लाडो ने उसे सब कुछ दिया, प्यार दिया, मान सम्मान दिया, दिन रात उसकी सेवा की, उसका वो शराबी बाप उसकी दिन रात सेवा में रहती थी वो, बदले में उसने मेरी लाडो की जिंदगी छीन ली, उसने जिंदगी। यहां आग लगी सह महाराज कालज में बेटी ने याद कर करके, बापसू में
बेटी खोई से मैंने, मेरी लाडो की कसम खाई से। अरमान सिंह ने सजा दिलवा के टंगा ना हूंगो मैं। मिर्जा साहब को गुजरे तो 6 साल हो गए, अब मुझसे क्या चाहते हो सरदार सिंह? गवाही। तूने तो मेरी बेटी के भोगे हुए सारे कष्ट देखे हैं ना, मैं तुझे कोर्ट में बुलाऊंगा गवाही देने के लिए, तुम्हें आना है। मैं कोई गवाही ववाही नहीं दूंगी। तुम सब जिम्मेदार थे, मिर्जा साहब, हनुमान और तुम। अगर तुम्हें अपने पाप कम करने हैं बीबी, तो मान जा, मैं रोज आऊंगा तेरे दरवाजे पे गुहार लगाने, और फिर भी तू ना माने तो तू जाने और तेरा अल्लाह जाने। लेकिन मैं हनुमान को छोड़ूंगा नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।